गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास महिला महाविद्यालय बांदीकुई। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बीए भाग द्वितीय में संघात्मक प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक प्रकृति। लैटिन शब्द फॉइडस का अंग्रेजी शब्द फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण है संधि या समझौता। तात्पर्य, संधि या समझौते से निर्मित राज्य को संघात्मक राज्य कहा जाता है। विश्व के देशों में जब हम संघात्मक राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका के साथ साथ में हम स्विट्जरलैंड को देखते हैं, कनाडा को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। इनमें संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना और अमेरिकी संविधान में लिखित रूप में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। हमारा जो भारतीय संविधान है इसके अनुच्छेद एक में स्पष्टतः लिखा कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक राज्य शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यों का संघ से तात्पर्य स्पष्ट किया गया है कि भारत के किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माता अच्छी तरीके से इतिहास से जान चुके थे कि किस प्रकार से देसी रियासतों को स्वायत्तता प्राप्त थी, किस प्रकार से हमारे भारत अंग्रेजी भारत के जो प्रांत थे उनको किस प्रकार की स्वायत्तता प्रदान थी और किस किस प्रकार की स्थितियां हमारे भारत में आई थी और कैसे भारत का विभाजन हो गया। तो इस वजह से वो किसी भी राज्य को पृथक स्वायत्तता प्रदान नहीं करना चाहते थे। अमेरिकी संविधान और भारत के संविधान में थोड़ा अंतर ये रहा कि अमेरिका में सर्वप्रथम 13 राज्य थे और 13 राज्य अपने अपने स्तर पर स्वायत्त थे, और जब ब्रिटिश शासन ने अमेरिका के ऊपर भी शासन स्थापित किया और अमेरिका को भी अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया और काफ़ी हद तक अमेरिका का शोषण भी किया, तो अमेरिकी जनता और अमेरिका के प्रांतों ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए युद्ध किया और बेमुश्किल से अमेरिकी क्रांति के द्वारा अमेरिका स्वतंत्र हो पाया था। तो अब अमेरिका ने ये निर्णय लिया था कि क्यों न हम एक संघ की स्थापना करें और केंद्र को मजबूत करके आगे आने वाले समय पर हम इस प्रकार की जो स्थिति हमारे साथ में बनी वो हम नहीं बनने देंगे। और इस प्रकार से 13 ही राज्यों ने एक संधि और समझौता किया और केंद्र की स्थापना कर दी। हमारे भारत में ऐसा नहीं था। हमारे भारत में राज्यों के द्वारा संघ की स्थापना नहीं की गई है, अपितु संविधान के द्वारा ही राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह, इसमें ये एक विवाद उत्पन्न हो जाता है कि हमारा जो भारतीय संविधान में संघात्मकता की प्रकृति है कि हमारा भारतीय संविधान संघात्मकता के लक्षणों को लेकर नहीं चलता है, या हमारे भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों को अपनाया गया है। संविधान में भी केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, केंद्र को ताकतवर बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करके जहाँ से जो संविधान में बात अच्छी लगती थी और हमारे भारत की परिस्थितियों के अनुकूल वो सटीक बैठ सकती थी उस व्यवस्था को हमारे भारतीय संविधान में अपनाया था। तो ये तो विवाद का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता कि अमेरिका में संघात्मकता के इस प्रकार के लक्षण हैं या इस प्रकार की व्यवस्था को
अपनाया गया है और हूबहू हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है या हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं अपनाया है, तो फिर हम कैसे कह दें कि हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है? नहीं, एक्चुअल अलग अलग देशों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग देशों के संविधानों में अलग अलग बातें होती हैं, तो हम यहाँ ये देखें कि ऊपरी तौर पर जो संघात्मकता के लक्षण हैं, चाहे उनको हम अमेरिकी संविधान में देखें, चाहे उनको हम कनाडा के संविधान में देखें, चाहे उनको हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान में देखें और चाहे उनको हम स्विट्जरलैंड के संविधान में देखें, सभी संविधानों में संघात्मकता के जो लक्षण हैं वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे भारत में भी हैं। तो यहाँ पर हम संघात्मकता के लक्षणों में तो विभेद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो आंतरिक स्वरूप है उसमें हम जरूर विभेद कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा भारतीय संविधान में संघात्मकता का जो लक्षण अपनाया गया है उसका स्वरूप संघात्मक है, अर्थात उसकी आत्मा तो एकात्मक है, और ऐसा हमारे भारत में होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती तो ये स्थिति अपने सामने है कि पता नहीं जब केंद्र को मजबूत करते हुए राज्यों को उनके अधीन बनाया है या संविधान के अधीन बनाया है, जब भी हमारे भारत में बहुत सारी जो विकट स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रीयतावाद पनपा है, और अगर मान लो यहाँ पर उनको पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती तो धीरे धीरे भारत के राज्य भारत से अलग हो जाते और भारत की एकता और अखंडता को गहरा आघात पहुँचता। इस वजह से हमारे भारत में संघात्मकता के लक्षणों को अपनाते हुए भी राज्यों को केंद्र से थोड़ा कमज़ोर बनाया है, उनको विषयों के मामलों में भी कम शक्तियां प्रदान की है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था मौजूद नहीं है। देखिएगा, हम कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थिति में किसी न किसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित किया है और अपने हिसाब से उन्होंने भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले केसी बियर, उन्होंने ये कहा है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था नहीं अर्थसंघात्मक है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को ही शक्तियाँ प्रदान हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पूर्ण रूप से संघात्मकता है। जहाँ मॉरिस जॉन साहब हैं वो कहते हैं कि यहाँ सहकारी सौदेबाजी है, अर्थात राज्य हैं वो समय समय पर केंद्र से सौदेबाजी करते रहते हैं और उसी प्रकार से संघात्मकता का स्वरूप है वो बदलता रहता है। अशोक चंदा ने कहा है कि विचार व कार्य प्रणाली से एकात्मक संघ है यहाँ पर। जेसी धोरी साहब हैं वो कहते हैं कि ये समतल संघ है, अर्थात यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के बीच में एक समान स्थिति बनाने की चेष्टा की गई है। तो डीडी बसु साहब ये कहते हैं कि न तो भारतीय संविधान एकात्मक है और न संघात्मक है, अर्थात ये दोनों का समन्वय है। ये इस प्रकार के जो विवाद हैं वो हमारे भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संबंध में उभर कर आए हैं, लेकिन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको स्पष्टतः कर दिया कि ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान संघात्मक नहीं है, अपितु संघात्मकता के लक्षणों को हमने पूरी तरीके से अपनाया है, इस वजह से भारतीय संविधान संघात्मकता के लक्षणों को लेकर चलता है। अपन देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में किस किस प्रकार के संघात्मकता के लक्षण हैं। मैंने आपको चार देशों की बात की थी संघात्मकता के बारे में, और स्पष्टतः कर दूं मैं कि हमारा जो देश है वो कनाडा की संघात्मक व्यवस्था है, उसके अनुकूल था, इसी वजह से अन्य देशों की संघात्मक व्यवस्था के मॉडल को ग्रहण न करते हुए कनाडा की संघात्मक व्यवस्था को हमारे भारतीय संविधान में अपनाया है। इस वजह से हमारा भारतीय संविधान है वो कनाडा की संघात्मक व्यवस्था के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा अनुरूप है। यहाँ संघात्मक व्यवस्था का जो प्रथम लक्षण है वो है लिखित संविधान। जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ ये अनिवार्यता है कि संविधान लिखित होना चाहिए और संविधान में ही केंद्र और राज्य हैं उनकी शक्तियों के बारे में, व्यवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख निहित होता है। तो
तो हमारा भारतीय संविधान है वो लिखित है। यहाँ पर हम केंद्र को देखते हैं, राज्यों को देखते हैं, सरकार के अंगों को देखते हैं, सभी के बारे में यहाँ पर स्पष्टतः वर्णन कर रखा है कि कितनी शक्तियाँ किनके पास में रहेंगी। अब यहाँ जब हम संविधान लिखित संविधान की भी बात करते हैं तो दुनिया का जो प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, और भारत का संविधान है वो तो बहुत बाद में बना है, लेकिन जब उनकी हम व्यापकता को देखते हैं तो दुनिया के देशों में सबसे छोटा जो सबसे लिखित छोटा संविधान है वो अमेरिका का है, उसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं, और हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद हैं। इस वजह से ये भी कहा जाता है कि ये विश्व के देशों में सर्वाधिक व्यापक संविधान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा संविधान छोटा होता तभी हम उसको संघात्मक व्यवस्था कहते, नहीं, संविधान दुनिया अपने अपने देश के अनुरूप होता है। अगर हमारा देश का संविधान व्यापक है लेकिन हमारे देश के संविधान में संघात्मकता के लक्षण को अपनाया है, तो पहली शर्त इसकी यह है कि लिखित संविधान होना चाहिए, अलिखित नहीं। दूसरी वाली बात आती है इसमें संविधान की सर्वोच्चता। हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि भारत का संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन पूरी तरीके से संविधान की भावना है उसमें ये निहित है कि संविधान सर्वोच्च होगा और सारे पद और अंग संविधान के अंतर्गत ही होंगे। इस वजह से हम देखते हैं कि चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे मंत्रिमंडल है, चाहे केंद्र है, चाहे राज्य है, सभी संविधान के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। अर्थात हमारे भारत में संविधान सर्वोच्च है और सभी संविधान के अधीन है। तीसरी वाली बात आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे भारत में संविधान में ही न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है और न्यायपालिका स्वतंत्र आचरण करती है, अर्थात किसी भी सरकार है उसके दबाव में रहकर कार्य नहीं करती है। संविधान में निहित किया गया है कि न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और महाभियोग एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, और ये उदाहरण भी है कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग पारित नहीं हुआ है। और दूसरी हम देखते हैं कि एक बार अगर संसद न्यायाधीशों के वेतन को फिक्स कर देती है तो फिर उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं वो स्वतंत्र आचरण करते हैं और संविधान के अनुकूल ही वो अपने आचरण को करते हैं। तो हमारे भारत में न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र बनाया है और लिखा भी गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, और अगर एक बार सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे देता है तो संघ और राज्य दोनों को ही उस निर्णय की पालना करनी पड़ती है। इस रूप में हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र बनाया गया है। चौथी वाली बात आती है शक्तियों का विभाजन। जिस देश में संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर केंद्र और राज्य हैं, उनमें दोनों में ही शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ प्रमुख रूप से बनाई गई थी। एक तो केंद्र सूची थी, दूसरी राज्य सूची थी, और तीसरी समवर्ती सूची थी। केंद्रीय सूची में 97 विषयों को रखा गया, राज्य सूची में 66 विषयों को रखा गया, और समवर्ती सूची में 47 विषयों को रखा गया। इसके बाद में संशोधन करते हुए वर्तमान में केंद्रीय सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं, और 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 5 विषयों को समवर्ती सूची में और सम्मिलित किया गया है, और अब समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। स्पष्टतः ये भी प्रावधान है कि केंद्रीय सूची पर संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन प्रावधान ये भी है कि अगर संघ और राज्य एक ही विषय पर कानून बनाए तो संघ का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। इस रूप में संघात्मकता के लक्षण में शक्तियों का विभाजन
हमारे भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के संदर्भ में किया गया है। एक सूची और है, अवशिष्ट सूची। 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि अवशिष्ट सूची पर कानून निर्माण करने का अधिकार वो केंद्र या राज्य किसी को भी दे सकता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अवशिष्ट सूची पर भी कानून निर्माण करने का अधिकार भारतीय संसद का ही होगा। नेक्स्ट बात आती है इसमें नागरिकता। जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो विश्व के देशों में अलग अलग प्रकार से बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, एक तो वहाँ पर संघ की नागरिकता होती है और एक वहाँ पर राज्य की नागरिकता होती है। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता बना रखी है, एक तो वहाँ संघ की नागरिकता होती है, दूसरी वहाँ कैंटन की नागरिकता होती है, अर्थात कैंटन वहाँ राज्यों को कहते हैं, और तीसरी वहाँ कम्यून की नागरिकता है, अर्थात कम्यून वहाँ जिले को कहते हैं। हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए भी एकल नागरिकता को अपनाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, हमारे भारत में एकल नागरिकता है तो भारत में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, अपितु भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एकल नागरिकता को हमारे भारत में अपनाया गया है। हमारी पहचान भारत के नागरिक के संदर्भ में ही होती है। नेक्स्ट बात आती है उच्च सदन, राज्यों का सदन। भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र में द्वि सदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का सदन है, राज्यों के विधानमंडल अपने प्रतिनिधियों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं और इस प्रकार से राज्यसभा है वो सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और वो राज्यों के हितों को पूरी तरीके से देखती है। अब ये एक अलग बात है कि अमेरिका में सभी राज्यों को चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य, एक राज्य से दो प्रतिनिधि वहाँ की सीनेट में जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ की संख्या 100 होती है। हमारे भारत में राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से जो प्रतिनिधि जाते हैं वो समानता के आधार पर न होकर जनसंख्या के आधार पर जाते हैं, अर्थात जिस प्रांत की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होती है उस प्रांत से उतना ही ज़्यादा प्रतिनिधित्व होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे भारत में राज्यों में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो संघात्मक व्यवस्था नहीं है। ये अपने अपने देश की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। और लास्ट बात आती है इसमें संशोधन प्रक्रिया। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। यहाँ पर भारतीय संसद को तीनों ही प्रकार की संशोधन प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन जो तीसरी वाली प्रक्रिया है कि संसद के साथ साथ में आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ये संघात्मकता के लक्षण को पूर्ण करता है। अगर हमारे भारत में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होगा, किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होगा, दो राज्यों को मिलाकर नवीन राज्य का निर्माण होगा, तो संसद साधारण बहुमत से ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। अगर हमारे भारत में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन होगा, राज्य की नीति निदेशक तत्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, तो संसद विशेष बहुमत से इस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तो हमारे भारत में अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, अनुच्छेद 368 की ही प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, उच्च न्यायालयों के प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, तो वो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही ऐसा हो सकता है। इस रूप में हमारा भारत का संविधान संघात्मकता के ढांचे को पूरी तरीके से लेकर चलता है। धन्यवाद। आप आगे भी निरंतर अध्ययन करते रहिएगा।